दिया गया है भगवान देव जी ने। सामान्य स्थिति में आ गए, सांस छोड़ते हुए आप अपनी बाई ओर आप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब कोई आगे जुड़ेगी सांस बाहर कर रहे हैं। अपनी अंगेली आपकी तेज आ जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे वापस कर आप सूची का एक दोहराए की क्रिया को आ जाए वापस कमान स्थिति में शेर बोल बोलते हैं इसको सामने लेके कमान गर्दन से घुटने बेंड करो, घुटने जितने हो सकते हैं जैसे कुर्सी पे बैठे हो आगे से ही नहीं सिर्फ घुटनों से बैठना है। वेरी गुड। 15 सेकंड अब हम करेंगे ये हमने किए सूक्ष्म व्यायाम, अब हम करेंगे आसन। आसन से कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसन से कुछ बैठे खड़े होकर किए जाने वाले आसन में तार आसन। सबसे पहले अपने हाथ सामने ले आए, अपनी उंगलियां आपस में इंटरलॉक करें, हाथ लगाए नीचे ऊपर पलकों पे आ जाए। एक आसन बना रहे हैं आसन का जिनको चक्कर आते हैं टीजा हो ये आसन को ना करें। आ जाए वापस अब बैठ जाए सभी अपनी जगह पे। आ जाए वापस बैठ आते हैं बैठे सब। तो हम करेंगे आदू शासन अपने घुटनों पे आ जाए। आंखें बंद ही रखें, अपनी हथेलियों को रब करें, आंखें बंद करें और अपनी हथेलियां आपस में मिलाएं। अपनी हथेलियों को धीरे धीरे आंखों पे स्पर्श करें और आंखें खोलने का प्रयास करें। कैसे हैं आप? जोर से सोफिया जोर से जोर से सबको एक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल योग दिवस कल है, लेकिन उसके उपलक्ष में हम लोग तैयारियां तो कर रहे हैं कि योग का सेशंस एंड ऑल दैट, लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डायरेक्टर ऑफ आयुष दे आर ऑर्गेनाइजिंग 8 सेशंस बिफोर 21 जून। 8 सेशंस एट द डिफरेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस, जैसे मंडी बूढ़ा मन्ना टेम्पल हुआ, नवग्रह टेम्पल है, कृष्णचंद पार्क है, उन 8 सेशंस में से एक लोकेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ भी है। तो वी आर ऑनर्ड कि आज भी उस माशरे के मन में जो है वो लोग भी हैं कि जो उनसे थोड़ी देर के लिए अलग हो चुके हैं।
जैसे कि हम सब जानते हैं योग एक साधना है, इसको हम किसी धर्म के साथ तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन एक साधना मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे वो इस चार दीवारी के बाहर है या अंदर है। मन तन के लिए खाना, तो मन और दिमाग के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो योग एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि आप अपने आप को रीजेनुएट कर सकते हैं, रीअलाइन कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उस नेगेटिविटी को जो कि एक समय में आपके अंदर थी उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना। तो आई एम थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई एम थैंकफुल टू द डायरेक्टरेट ऑफ आयुष कि जो हमेशा हमारी किसी भी कोशिश को अपने साथ लेके एक नया दिशा, एक नया अंजाम देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम सब लोग इसी तरीके से जुड़ें कि इन लोगों के लिए कि जो वापस इसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, इन्होंने वापस आप लोगों के बीच में जाना है, तो एक इंसान और एक अच्छा इंसान बन के जाएँ अच्छी आदतों के साथ और एक स्ट्रांग फिजिक, स्ट्रांग माइंड एंड स्ट्रांग ब्रेन। थैंक यू बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि जो भी है वो सोचेंगे केस के बारे में, किसने मेरे साथ क्या किया, तो एक बदले की भावना। तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब उस दिमाग में आप एक पॉजिटिविटी और कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें डालेंगे, जैसे वो त्यार आँख बंद करेंगे तो कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कुछ अच्छा ध्यान अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में ये सोचेंगे, तो एक खाली दिमाग को आप ऑक्यूपाई कर रहे हो एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ, एक कंस्ट्रक्टिव विचार के साथ और एक अच्छी भावना के साथ। जैसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अब हम मन और अन्न के ऊपर से दिमाग के विचार भी लेके चलें कि एक विचार किसी के लिए बुरा मत सोचें, हम अच्छा सोचें, आप चंगे तो जग चंगा, जब ये अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि दे फील डिजेक्टेड। सो जब ये आप लोगों के बीच में है शाम को यही प्रोग्राम, जब ये अपने टीवी में देखेंगे तो लगेगा कि नहीं हम भी टीवी पे आ रहे हैं एक अच्छे काम के लिए, ना कि हमने किसी का कत्ल किया, किसी का सर फोड़ा या चोरी की। तो नेचुरली अपने आप को भी उस माशरे के बीच में महसूस करेंगे, ना कि आइसोलेटेड। थैंक यू मैम का करता हूँ कि जिसने हमें ये सुविधा यहाँ पे दी है। और ये जो योगा डे है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं पिछले 4 साल से हेपेटाइट बी का पेशेंट हूँ, लेकिन जब कुछ दिनों से मैं योगा कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी फील उस मानो कि अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे जोड़े घुटने सब दर्द कर रहा था, दवाई से ऊपर प्रॉब्लम और हो रही, लेकिन जब से मैंने योगा की मैं समझ रहा हूँ कि मुझे आज के बाद शायद दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी हमारी किस्मत की बात थी कि सुपरिटेंडेंट मैम यहाँ पे है, उसने ये यहाँ पे हमें सिखाया, कुछ दिनों से अलग से टीचर लगाया और आज ये प्रोग्राम हुआ। ये हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, हम इस जेल में आए और हमारी ऐसी सुपरिटेंडेंट मैम है, हम इसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ग्लेड टू सी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमें इस योग दिवस के साथ रूबरू होने का अवसर मिला। आज पूरा हिंदुस्तान योग दिवस के साथ जुड़ रहा है, तो आज हमें भी मौका मिला इसके साथ जुड़ने का और इसके फ़ायदे बेनिफिट्स क्या है उसके उससे उजागर होने का मौका मिला। तो हम थैंकफुल है, वी आर ग्लेड दैट आवर जेल सुपरिटेंडेंट इज़ वेरी काइंड पर्सन, शी गिव्स अस हाइजेनिक फूड एंड गुड शेल्टर हेयर एंड मच मोर कल्चरल सपोर्ट इवेंट्स विच वी ऑल जेल इनमेट्स हैव बीन पार्टिसिपेटिंग हेयर। और हमें इससे क्या हम फिजिकली और मेंटली फिट रहने का हमें बहुत बहुत मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात आज योग दिवस है, इसके बेनिफिट्स क्या है आज हमें पता चला। इससे पहले तो बाहर की दुनिया में हमें इस चीज़ का मौका ही नहीं मिलता था कि हम अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ हो गए थे दुनियादारी में एटसेट्रा एटसेट्रा, मगर यहाँ पे हमारे पास समय है और इससे जुड़ने का हमें मौका मिला। आप यहाँ पर आए, ये योग अपने आयुष डिपार्टमेंट से योग कराने के लिए आए हैं और हमें योग का जो बेनिफिट है वो पता चला, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे अपना कीमती समय